तो एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 8 से आगे के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो 8 से पहले के जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर उनको आप देखना चाहते हैं, क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं, तो इन वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े उन सभी से डिफरेंस है, क्योंकि इसमें ना तो ग्रेटर देन है ना तो लेस देन है, या इसमें क्या है, नॉट इक्वल टू है। तो इसको कैसे लगाएंगे आप, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, कह रहा है फलन की वैल्यू इतनी है, इतनी कब है, जब x नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब जब x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तब जो फलन की वैल्यू है वो इतना है, लेकिन जब x की वैल्यू जीरो के बराबर है तो फलन की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। अब इसको आप कैसे लगाएंगे, तो इसको आप बहुत ध्यान से आप देखिए, ठीक। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट हमको क्या दिया है, पॉइंट दिया है जीरो। तो हमको क्या करना है, जीरो पॉइंट पे निकालना है कि फलन संतत है कि अशंतत है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे एक्स बराबर जीरो पर। जैसे आप लिखोगे, आप एक्स बराबर जीरो पर क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन को फाइंड करोगे कि एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है। तो एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है, जीरो। तो ध्यान से आप देखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। कब, एक्स बराबर जीरो पर। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसी पॉइंट पे निकालते हैं फलन का मान। पॉइंट क्या है, तो पॉइंट जीरो है, तो जीरो पॉइंट पे क्या करेंगे, निकालेंगे फलन का मान एक्स बराबर जीरो रखने पर। और जैसे आप एक्स बराबर जीरो रखोगे क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से आप देखो, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा एफ, यहां पे x, x की वैल्यू क्या है, जीरो, और बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जो x बराबर जीरो पॉइंट है उस पर जो फलन की वैल्यू वो क्या है, जीरो है, ठीक है। एक चीज निकल गया, इसको आप संभाल कैसे घेर के रख लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं LHL, फिर निकालते हैं RHL, ठीक है। तो LHL कैसे निकलेगा और RHL कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए, LHL निकालने के लिए सबसे पहले एक तरफ लिखो LHL, एक तरफ लिखो आर एच एल, हो गया। और कोई जरूरी नहीं कि एक तरफ करके लिखो, आप पहले एग्जाम में या क्वेश्चन में सबसे पहले आप एल एच एल निकाल सकते हो, फिर नीचे आर एच एल निकाल सकते हो, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो हम ऐसे निकालते हैं, एल एच एल निकालना है तो पहले लिखोगे आप लिमिट, लिख दिया लिमिट एक्स, क्योंकि एक्स की बात हो रही है तो एक्स टेंस टू पॉइंट क्या है, पॉइंट है जीरो, तो एक्स टेंस टू जीरो। जो चीज आप यहां लिखो वही चीज यहां भी लिख दो, क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है। देखिए, इस पॉइंट में से जब घटेगा h तो ये बन जाएगा LHL, इस पॉइंट में जब जुटेगा h तो ये बन जाएगा RHL, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो, देखो जीरो में से h घट गया, घटा कि नहीं घटा। अब जीरो में से h घटा दोगे तो क्या वो जीरो के बराबर आएगा। अगर मैं कह दूं मेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपये में से अगर मैं 1 रुपया घटा दूं तो क्या मेरे पास 10 रुपया बचेगा, नहीं ना। तो पहले तो x की वैल्यू जीरो थी, लेकिन आपने क्या किया कि जीरो से कुछ घटाया, तो x की वैल्यू जीरो कहां रहेगी। इसका मतलब x की वैल्यू जीरो के बराबर बची ही नहीं, और जब x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं बची तो बराबर नहीं है, x बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू जीरो, और जब बराबर नहीं है तो फलन क्या होगा, ये होगा। लिखो इसको आप, क्या है, मोड में एक्स और बटा क्या है, एक्स, ठीक है। अब यहां पर देखो, x टेंस टू जीरो, पहले x की वैल्यू जीरो के बराबर थी, अब आपने जीरो में कुछ जोड़ दिया, और जीरो में अगर आपने कुछ जोड़ा तो x की वैल्यू क्या जीरो रह गई, नहीं, x की वैल्यू जीरो के बराबर रही नहीं गई, और x की वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन फिर यही है, यानी क्या, मोड में x बटा x। यूनिक क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान होता है, क्यों, क्योंकि जो चीज बराबर नहीं है वही दोनों में होता है, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद का कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि जो h है वो टेंस टू जीरो है, क्या लिखोगे आप, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिख दिया। इतना लिखने के बाद इस फलन में जहां जहां पर एक्स है वहां पे क्या लिखोगे, जीरो माइनस एच, तो यहां पे एक्स क्या लिखोगे आप, जीरो माइनस एच, पटा एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे आप, जीरो माइनस एच। इसके बाद क्या करोगे आप, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो से यच जाएगा तो आएगा माइनस यच ही मोड में, और बटा नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा माइनस यच, हो गया ना। थोड़ा आगे देखते हैं, देखिए जब ये मोड हटेगा,
मॉड तो माइनस को लेके गायब हो जाएगा। थोड़ा यहां देख लेते हैं, आप उतारोगे लिमिट एच टेंस टू क्या जीरो हो गया, ये मॉड जाएगा तो माइनस भी चला जाएगा, तो हो जाएगा बचेगा ऊपर केवल एच और नीचे बचेगा माइनस एच, बचेगा एच से एच कट गया, कटा कि नहीं कटा बताओ, एच से एच कट गया तो बचेगा एक, लेकिन माइनस है तो बचेगा माइनस एक, नहीं बचेगा, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू माइनस एक। अब जब आप एच की वैल्यू क्या है जीरो, एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो यहां पे कहीं एच है नहीं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, माइनस एक ही आएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो एच बराबर जीरो रखने पर, एच बराबर जीरो रखने पर, और जैसे आप रखोगे तो यहां कहीं यस तो है नहीं, माइनस एक ही आ जाएगा, क्या आएगा माइनस एक आ गया ना, तो निकल गया एलएचएल की वैल्यू माइनस एक निकल गई। अब निकालते हैं आरएचएल की वैल्यू, ध्यान दो आप। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लिखते हैं लिमिट, फिर कहते हैं जो यच है इसकी वैल्यू क्या है जीरो के आसपास या जीरो है, इतना आप करते हो। उसके बाद यहां पे जहां जहां एक्स होता है वहां पे एक्स के स्थान पे क्या लिख दो जीरो प्लस एस, तो लिख दो इस एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच बटा इस एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा जीरो प्लस एच हो गया, फिर बराबर लिखते हैं, फिर यही क्या होगा लिमिट एच टेंस टू क्या जीरो, जीरो में से एच जाएगा तो बचेगा एच, बचेगा क्या मोड में एच और बटा क्या बचेगा एच, नीचे स्पेस नहीं इसलिए यहीं पे फिर देख ले रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो मोड हट जाएगा ऊपर बचेगा एच और बटा एच, जैसे एच कट जाएगा क्या बचेगा फिर एक बचेगा, बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पे बचेगा एक, और एच की वैल्यू अगर आप जीरो रख भी दो तो यहां कहीं तो एच है नहीं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और क्या आएगा एक ही आएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप देखो, देखिए जीरो पॉइंट पर, किस पे जीरो पॉइंट पर जो फलन मिला वो जीरो मिला, ठीक है, एलएचएल की वैल्यू क्या मिली माइनस एक, आरएचएल की वैल्यू क्या मिली एक, क्या तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों नहीं बराबर है, अरे कोई नहीं किसी के बराबर है, तो आप साफ साफ लिखोगे कि आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल और नॉट इक्वल टू एफ जीरो, तीनों आपस में बराबर नहीं है इसलिए फलन संतत नहीं है। ठीक है, तो ये फलन क्या रहा संतत नहीं रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 भी 8 जैसा है। ठीक, तो चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है एफ एक्स बराबर ये फलन है जब एक्स छोटा है जीरो से, फलन माइनस एक है जब एक्स की वैल्यू बराबर भी है बड़ी है और जीरो से। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है जीरो है, हमको जीरो पॉइंट पे बताना है कि फलन संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है एक्स बराबर जीरो पर। ठीक है, सबसे पहले हमको ये निकालना है कि एक्स बराबर जीरो पर फलन की वैल्यू क्या है, तो इसमें क्या है एक्स बराबर जीरो भी है और बड़ा भी है, तो जीरो एक्स के बराबर यहाँ पे जीरो है, तो जब एक्स जीरो के बराबर होगा तो फलन की वैल्यू क्या होगी माइनस एक होगी, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो एक्स बराबर जीरो है इस पर फलन की वैल्यू निकाल लेनी है, तो क्या करोगे आप इसमें एक्स बराबर जीरो रखने पर। ठीक है, इट मीन्स इसमें जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखोगे जीरो रखोगे, तो आइए रख लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या है जीरो बराबर यहां पे क्या है माइनस एक, इसको आप धीरे से इसे घेर दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको निकालना है आरएचएल और निकालना है एलएचएल। ठीक है, तो आइए एलएचएल को देखते हैं, अगर आपको एलएचएल निकालना है तो लिखोगे एलएचएल और निकालना है आरएचएल। ठीक है, चलते हैं देखते हैं, देखिए एलएचएल या आरएचएल निकालने के लिए लिखते हैं, सबसे पहले लिमिट लिख दिया, एक्स की बात हो रही है तो यहां पर लिखेंगे एक्स टेंस टू जीरो पॉइंट है तो लिखेंगे जीरो, यही सेम चीज यहां उतारेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, अब ध्यान से आप देखो, देखो एलएचएल में क्या करते हैं एच को घटा देते हैं, आरएचएल में क्या करते हैं एच को जोड़ देते हैं, कर दिया। ठीक है, अब देखो जीरो में से एच को घटाया गया, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू जीरो से कम हो गई, कम हो गई कि नहीं, तो एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो ये फलन लिखोगे, फलन क्या है एक्स अपान मोड में एक्स, यहां पे जीरो प्लस एच यानी जीरो में जोड़ा गया तो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो फलन क्या आएगा, फलन आएगा माइनस एक। ठीक है, हो गया इतना, अब इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद हमको ये बताना है, इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, लिखते हैं लिमिट, और कहते हैं जो यच है, यच टेंस टू क्या है, जीरो है। अब इस फलन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या लिखोगे, जीरो माइनस एच लिखोगे। तो लिख लेते हैं, एक्स के स्थान पे क्या, जीरो माइनस एच, और बटा क्या, मोड में एक्स के स्थान पे क्या, जीरो माइनस एच। हो गया इतना, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो में से एच जाएगा तो हो जाएगा ये एच, और बटा ये मोड में माइनस एच हो जाएगा, मोड में माइनस एच। यहीं पे फिर देख लेते हैं, बराबर लिमिट ये क्या है, एच टेंस टू क्या, जीरो, ये एच और बटा क्या, ये मोड है, मोड जब हटेगा तो माइनस भी हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच, एच में से एच घटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब एच बराबर जीरो क्या करोगे, इसमें रखोगे, तो एच बराबर जीरो रखने पर, रखोगे ना, अब यहां पर जहां जहां एच है वहां पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे कहीं एच है ही नहीं है, तो एच नहीं है तो ये बचेगा, खाली रखोगे तो लिमिट हट जाएगा, खाली बचेगा एक, ठीक है, तो एक हो गया। अब चलते हैं आरएचएल पे, आरएचएल में इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लिखते हैं लिमिट, ये जो एच है लिखते हैं एच टेंस टू जीरो, लिख दिया। अब यहां पे जहां जहां यक्स है वहां पे लिखोगे जीरो प्लस एच, तो यहां पे कहीं यक्स ही नहीं है तो यही बचेगा माइनस एक, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एच बराबर जीरो की वैल्यू इसमें रखोगे, तो लिखोगे आप एच बराबर जीरो रखने पर, ठीक है, तो जैसे आप रखोगे एच बराबर जीरो, यहां जहां जहां यच है वहां शून्य हो जाएगा, तो यहां पे कहीं यच ही नहीं है, तो जैसे आप रखोगे लिमिट तो गायब हो जाएगा, यच नहीं है तो बचेगा माइनस एक, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो, देखिए देखिए जो पॉइंट जीरो पर फलन की वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस एक आ गई, एलएचएल की वैल्यू एक आ गई, आरएचएल की वैल्यू माइनस एक आ गई, क्या तीनों आपस में बराबर है? तो इस तरह क्वेश्चन में नाइन भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में टेन, देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन में टेन की, तो क्वेश्चन में टेन एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में नाइन पढ़ा वैसे ही है, या पीछे हम लोगों ने जो क्वेश्चन में सिक्स पढ़ा था वैसे है, ठीक है, तो उसको आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन में इलेवन भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्वेश्चन में ट्वेल्व भी ऐसे ही है, ठीक है, तो आप लोग ट्वेल्व तक के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं 12 के बाद जितने भी क्वेश्चन है उन वीडियो के साथ, अगर वो सारे वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहे हैं तो वहां से आप देख के पढ़ सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग अपना प्यार और प्राइवेसी बनाए रखिए।